तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। एंड गाइस आज हम करेंगे गैंग स्टार वाली फोटो एडिटिंग। आप इस फोटो में देख सकते हो कि मेरा डबल फोटो है, मतलब डबल रोल वाली फोटो है। सो अगर आप भी इस तरह की फोटो एडिटिंग करना चाहते हो गाइस, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा स्टॉक्स का, मतलब बैकग्राउंड और पीएनजी का। सो वहां क्लिक करके डाउनलोड कर लेना सारे स्टॉक्स को। और ये वाली एडिटिंग उतना हार्ड नहीं है, इजीली बन जाएगी। तो भाई प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों ने मेरे पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया गाइस, तो जल्दी से फॉलो कर लो, ये मेरी यूज़र आईडी है, सर्च करके फॉलो कर लेना। सो चलिए फिलहाल आज के इस इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करके आपको सिंपली इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने ऐड कर रखा है। और इसमें सबसे पहले आपको ऐड बोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम अपना फोटो को ऐड करेंगे, फोटो ऐप पीएनजी को। तो मैंने पीएनजी ऐड कर रखा है। सो अगर आप मेरी तरफ बैकग्राउंड एरेज करना चाहते हो एचडी में, तो इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि पिक्सार्ट ऐप उतना अच्छे से नहीं होती और आपकी क्वालिटी भी घट जाती है फोटो की। तो इसीलिए ये वाली ट्रिक को एक बार यूज़ करके देखो। सो मॉडल फोटो को इस तरह से साइड कर लेंगे एंड सिंपली इफेक्ट्स पे आके कलर्स वाली टैब को प्रेस करेंगे एंड ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे। और इसमें मैं ब्राइटनेस को 90 के आसपास रखूँगा और इसे कर दूंगा डन। सो इतना कर लेने के बाद आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना पड़ेगा एंड सेकेंड मॉडल वाली फोटो को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इस तरह से साइड कर लूँगा। एंड इसमें भी इफेक्ट्स पे आके कलर्स पे आ जाएंगे एंड ब्राइटनेस को प्रेस करके इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसे भी 90 पे रखेंगे एंड इसे कर देंगे डन। तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना पड़ेगा एंड ये वाली पीएनजी को ऐड करना है एंड इस तरह से सेट कर लेंगे। सो इतना कर लेने के बाद आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड इस ऑब्जेक्ट ब्लर वाली पीएनजी को ऐड करके इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके एंड इस गैंग स्टार वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। और इस तरह से सेट करके इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद टूल्स पे जाएंगे एंड एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड इसमें सिंपली ब्राइटनेस को नीचे करके इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इस आइकन को प्रेस करेंगे। देन इसमें सबसे पहले सेटिंग कर लेना है ब्रश की। और सेटिंग करने के बाद गाइस सिंपली आपको इस तरह से ड्रॉ करते जाना है, मतलब इस तरह से ड्रॉ करके आपको शैडोज बनाते जाना है, जैसे कि मैं बना रहा। तो इस तरह से शैडोज बना लेना एंड सिंपली इसे डन कर देना। डन करने के बाद आप इसे मैन्युअली सेट कर सकते हो कम ज़्यादा करके। एंड इसे डन कर देना। डन करने के बाद अगेन टूल्स पे आके एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड अब ब्राइटनेस को इंक्रीज करके इरेज करेंगे, इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इस आइकन को अगेन प्रेस करेंगे। देन आपको क्या करना है, सिंपली अपना फेस पे एंड हाथ पे भी दे सकते हो चमक, दे सकते हो अपने फ़ोटो पे, ताकि आपकी फ़ोटो और अच्छी लगे। मतलब इस तरह से आपने फ़ोटो पे शाइनिंग दे रहे हैं। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हो बेहतरीन लग रही है इस तरह से, मतलब शाइनिंग करने के बाद। एंड आप क्या करेंगे, सिंपली से डन कर देंगे एंड डन करने के बाद सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद मैं अपने फोटो को कर लेता हूँ यहाँ से जल्दी से सेव। एंड सेव करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली लाइट रूम ऐप को ओपन करना है एंड ओपन करके इस तरह से फोटो को कर लेंगे ऐड। एंड जैसे हमने सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर जाना है, इसमें आपको क्या करना है, लाइटिंग का करेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ एक्सपोजर शैडोज को कम ज़्यादा करके। मेरी तरह फॉलो कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कम ज़्यादा करके देख लेना जिसमें बेटर लगेगी। देन इस वाले ऑप्शन पर देंगे, देन इसमें क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे एंड इंक्रीज करने के बाद विगनेट को भी माइनस कर देंगे। देन अब आ जाते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में, तो इसमें सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे जिससे थोड़ा सा कलर और आ जाएगी एंड मिक्स टाइप को ओपन करेंगे। एंड इसमें सिंपली ऑरेंज कलर पर आके लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड ब्लू कलर पर भी आके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से सेट कर लेना एंड इसे जल्दी तो इस तरह सेट कर लेना। एंड गाइस हमारी फोटो हो चुकी है रेडी, तो इस यहाँ से मैं जल्दी से कर लेता हूँ फोटो को सेव।